जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, इस वक्त हम कमरुल इस्लाम स्कूल पंजाब कॉलोनी कराची में हैं और यहाँ पे आज कंप्यूटर लैब जो है उसका इफ्तिताह किया है। यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के दोस्त मौजूद हैं जिन्होंने इस स्कूल को बेहतर होते हुए, अच्छा होते हुए देखा है। तो यहाँ समिया हमारे साथ हैं, समीना इमरान खान भी वो कह रही हैं, तो शी वुड लाइक टू से कन्वे हर फीलिंग्स as to what she is feeling right now after watching this computer lab being opened today. Ji Samina. Assalamu alaikum everyone. सबसे पहले तो मैं अपनी शागिर्द, अपनी स्टूडेंट सनिया की बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि सनिया ने मुझे यहाँ आने की दावत दी और उससे मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं यहाँ पर इस इनॉग्रेशन कंप्यूटर लैब इनॉग्रेशन सेरेमनी में आऊँ। और मैंने जैसे ही सुना, जब इन्होंने मुझे बताया कि ये कमरुल इस्लाम स्कूल में इन्होंने एक लैब का, कंप्यूटर लैब का इंतज़ाम किया है, तो मुझे, मैं अब 20 साल पहले अपनी माजी में चली गई कि ये स्कूल, इससे मेरी बहुत सारी यादें वाबस्ता हैं। जब मैंने अपनी पहली जॉब शुरू की पढ़ाई के बाद, तो मैंने प्रोफेसर अनीता गुलाम अली के साथ सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में अपना काम शुरू किया और एडॉप्टेड स्कूल उनका ब्रेन चाइल्ड था और ये स्कूल भी एक एडॉप्टेड स्कूल्स में शामिल था शुरू में। तो हम इस स्कूल का अक्सर विज़िट करते और हमने बहुत सारे उन तमाम मराहिल को देखा है जब एडॉप्शन शुरू हुई स्कूल्स की, क्या क्या रेजिस्टेंस आई सामने। और हम काम करते थे सिंध गवर्नमेंट के साथ, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के साथ, मुख्तलिफ एनजीओज़ के साथ और पेरेंट्स या उस इलाके के जो लोग हैं उनके साथ, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल की बेहतरी के लिए। तो आज मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है कि मैंने ये जगह, मुझे छोड़े हुए कोई 19 साल का अरसा गुजर चुका है, लेकिन मैं आज भी देख रही हूँ कि मुस्तकिल ये स्कूल तरक्की की जानिब गामजन है। और मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि आप लोग बहुत खुशनसीब हैं, आपको ये मौका मिल रहा है, प्लीज़ इस मौके को ज़ाय मत जाने दीजिएगा। आप सीखिए, यहाँ जो कुछ आपके लिए इन्होंने मुहैया किया है इसका पूरा फ़ायदा उठाइए और शुक्रगुजार रहिए इन लोगों का। मैं आप सबका तहे दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मेरी राय और मेरे एहसास की तर्जुमानी करने का मौका दिया। और मैं इस जगह के लिए बहुत दुआगो रहूँगी आप सबके लिए और खुसूसन अपनी स्टूडेंट सनिया के लिए कि अल्लाह ताला बहुत बहुत इनको कामयाबियाँ नसीब करे आने वाले वक्तों में भी, आमीन। हमारे साथ राबिया असफर निज़ामी भी खड़ी हैं जिन्होंने इस स्कूल को बाकायदा एडॉप्ट किया हुआ है, ICWS की टीम की मेम्बर भी हैं, तो हम इनको मुबारकबाद भी दे रहे हैं और इनके ख्यालात सुनते हैं कि आज इनके एहसास क्या हैं। थैंक यू जाहिद साहब। मेरे ख़्याल से जैसे आपने कहा कि अडॉप्ट स्कूल प्रोग्राम 20 साल ऑलमोस्ट पहले डॉक्टर अनीता गुलाम अली ने स्टार्ट किया था और इस प्रोग्राम के बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे अडॉप्टर्स आते हैं लेकिन वो सस्टेन नहीं कर पाते और फिर वो छोड़ के चले जाते हैं डिफरेंट स्कूल्स को। सिंध के अंदर ये प्रोग्राम जो है बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो कि बेसिकली अपना एक गिविंग बैक वाली जो सिचुएशन होती है कि जो मुल्क ने हमें दिया है उसको हम किस तरीके से पे बैक करें। ये अपॉर्चुनिटी मुझे इस प्रोग्राम ने दी है कि मैं वापस आई हूँ, मैंने पढ़ा इसी मुल्क से, एक कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ा, लेकिन मैंने देखा कि आहिस्ता आहिस्ता एजुकेशन सिंध के अंदर डिप्लीट होती जा रही है, उसके हालात बहुत ही डिटोरिएट होते जा रहे हैं। तो शायद मैं तमाम स्कूल्स तो ठीक ना कर सकूँ लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म से जो ICWS ने मुझे दिया, जो डॉक्टर आरिफ अलवी ने दिया, जो डॉक्टर समर अली ख़ान ने दिया, जो हमारी पूरी ICWS की टीम ने मुझे फराहम किया, उस प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए मैंने यह स्कूल को इनफॉर्मली अडॉप्ट किया आज से 5 साल पहले और फिर मैंने फॉर्मली इसको अडॉप्ट किया पिछले साल। और मैं समझती हूँ इट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि मैं किस तरीके से अपनी सोसाइटी को वापस वो उनका हक अदा कर सकूँ जो इस मुल्क ने मुझे रिवॉर्ड दिया है। जहाँ मैं आज खड़ी हूँ ऑब्वियसली इसके पीछे मेरी तालीम, मेरी तरबियत, मेरे वो होल्डिंग हैंड्स जो कि ऑब्वियसली सारे जो यहाँ पर आज लोग मौजूद हैं उनकी सूरत में वो सपोर्ट इंजन मौजूद है जिसने हमें यहाँ तक लेकर आया है। ये अगर सपोर्ट
सपोर्ट ना हो तो हम कुछ डिलीवर नहीं कर सकते. तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर बोथ, स्कूल के लिए भी और मुझ जैसे लोगों के लिए भी, कि हम जो काम करना चाहते हैं वो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है और जो बेसिकली हम डिलीवर जो सिखाना चाहते हैं, जो बच्चे बेसिकली नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो उससे फ़ायदा उठा सकते हैं. आई थिंक अडॉप्ट स्कूल प्रोग्राम जो है वो अच्छे अडॉप्टर्स को लुक फॉरवर्ड करता है. जो लोग टाइम और अपना पैसा, अपना अपनी मेहनत लगा सकते हैं, उनको आगे आना चाहिए ताकि वो ऐसे ही और स्कूल्स को अडॉप्ट करके अपना हक या अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू. हमारे साथ स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं. भाई आ जाइए, फरा बताइए ना कि भाई ये इससे इस एडिशन से क्या. आप उस तरफ ही रहें जी, प्लीज जी. सही है. मैं थैंकफुल हूँ आप सबका, ज़ाहिर साहब, मैडम राबिया, जिन्होंने हमारे स्कूल को ये अपॉर्चुनिटी अवेल करके दिए. क्योंकि आजकल जो देखा जा रहा है, जो दुनिया में आजकल चल रहा है, वो है ही कंप्यूटर. दो अब जैसे हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस दी थी तो हमें बड़ी परेशानी हुई थी कि टीचर्स यहाँ बैठ के मोबाइल्स पे दे रहे थे. अगर ये अपॉर्चुनिटी होती तो हर टीचर को हम सब्जेक्ट वाइज बिठाते और वो अपनी क्लासेस ईजीली ले सकती है, प्रोजेक्ट यूज़ कर सकती थी. तो ये हमारी विश थी और मैडम रबिया ने पूरी भी कर दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. हम बहुत थैंकफुल ICWS वालों के जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी. इसी तरीके से आप लोग हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम भी आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच जी. फरा एक मिनट. हाँ जी, हम हमारे साथ सानिया भी हैं और जो तोहफा हैं उनकी वालदा कहाँ गायब हो गई जी. मैं हम बहुत मशहूर हैं इनकी वालदा के कि जिन्होंने हमारे साथ मिल के. आइए आइए सबीन इधर. ये सबीन हैं सानिया की वालदा और हम इनके भी मशहूर हैं, सानिया के भी मशहूर हैं, हमारी टीम का बहुत ज़बरदस्त हिस्सा हैं. तो सानिया जो हैं शी हैज़ अरेंज्ड ऑल दिस. तो सानिया आप क्या कहेंगी भाई? ये दुनिया बहुत एक्सपोनेंशियली IT एजुकेशन की तरफ बढ़ रही है, इसलिए पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है IT एजुकेशन को प्रमोट करने की और डिजिटल लिटरेसी को प्रमोट करने की. हम जितना कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए. कंप्यूटर्स प्रोवाइड करें हम स्टूडेंट्स को ताकि वो कंप्यूटर एजुकेशन हासिल करके स्किल्स उसकी हासिल करें और वो सेल्फ सफिशिएंट अपने आप को बना लें और वो फ्रीलांसर बन के अपने लिए अर्न कर लें. या फिर वो IT एजुकेशन से, जिस तरह दुनिया बहुत तेज़ी की तरफ ग्रो कर रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ, वो इस तरह से वो स्किल्स हासिल करके कुछ कर लें. कहना चाहती हैं? नहीं कहना चाहती. अच्छा जी, सानिया जो है शी इज़ एन एसेट टू अस और हम सब ने जो यहाँ इस कमरे में मौजूद हैं, ICWS की टीम, राबिया की टीम, हमारे MPA यहाँ दूसरे भी मौजूद हैं, तो शहजाद कुरैशी, हम सब ने मिलके आपस में ये वादा किया है कि हम यहाँ वो इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे कि जहाँ बच्चे तालीम भी हासिल करें और स्किल इस तरह की अपनाएं कि वो फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट हो जाएं. जो बच्चे अपने घरों पे काम करना चाहेंगे हमारी टीम उनकी मदद करेगी वो सेटअप करने की, कि वो अपने घरों में वो कंप्यूटर से पैसे बनाना सीखें, इस मुल्क का अच्छा शहरी बनना सीखें, एक अच्छा मुसलमान बनना सीखें, एक अच्छा इंसान बनना सीखें. तो इस स्कूल की जो पूरी इंतज़ामिया है वो हम उनके भी बहुत मशहूर हैं. दे आर वेरी हेल्पफुल और ये बच्चे जो हैं इंशाल्लाह ताला अब ये बच्चे अपनी ज़िंदगी यहाँ से बनाएंगे. कोई बच्चा कुछ कहना चाहता है जी? क्या कहना चाह रहे हैं? हम बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे टीचर्स का और गेस्ट का जिन्होंने हमें हमारे लिए इतना बड़ा इंतज़ाम किया और जिन्होंने हमारी बेहतरी के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए ये कदम उठाया. थैंक यू वेरी मच जी. थैंक यू.